भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने के बाद मालदीव ने अपनी गलती सुधारने की लाख कोशिशें की, लेकिन मामला हाथ से निकल गया। मालदीव को अब तक करोड़ों रुपए की चपत लग चुकी है। भारत मालदीव विवाद का सबसे ज्यादा असर मालदीव के टूरिज्म पर पड़ा। सोशल मीडिया पर मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की लड़ाई शुरू हुई, तो हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा तक आधा कर दिया। होटल से लेकर मालदीव के लोकल लोगों ने किराए घटा दिए, मगर भारतीय अब मालदीव की जगह लक्षद्वीप में घूमने के ऑप्शन तलाशने लगे हैं। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मालदीव विवाद के बाद गूगल पर लक्षद्वीप सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया। खुद मालदीव भी मानता है कि भारत और भारतीयों की नाराजगी की वजह से उसका पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले 44,000 परिवारों पर संकट आ चुका है, जो पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से मालदीव का 3 दिन का पैकेज जो पहले 70,000 रुपए था, वो गिरकर 45,000 पर आ गया है। इसी तरह मेक माई ट्रिप की वेबसाइट जो पहले 3 दिन और 4 रातों का मालदीव घूमने का पैकेज 2,29,000 रुपए में दे रही थी, वो अब गिरकर 1,31,000 रुपए के आसपास आ गया है। हालांकि बॉयकॉट मालदीव के ट्रेंड को देखते हुए मेक माई ट्रिप ने भी बीचेस ऑफ इंडिया नाम का एक कैंपेन शुरू किया, जो भारत के समुद्र तटों को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर थे, उसी समय पीएम ने लोगों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की। उसी के बाद मालदीव के कुछ नेता बौखला गए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी तक कर डाली। उसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो बीते साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने $38 करोड़ यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसे में अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को रोजाना 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है।